अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ प्याज के पकौड़े बनाने की रेसिपी। प्याज के पकौड़े किसको पसंद नहीं आते, बारिश का तो सिर्फ एक बहाना होता है। बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी करारे, एकदम जबरदस्त कुरकुरे प्याज के पकौड़ों के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल हरी चटनी, जो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इन प्याज के पकौड़ों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ये 3 से 4 मीडियम साइज का प्याज था और इसको बारीक बारीक काट लिया है। और हाथ को धो के इनको अब मैं हाथों से अपने मसल लूँगी तो इनका जो प्याज़ों का लच्छा है वो खुल जाएगा और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। इस तरह से जो इनका मॉइस्चर है वो भी छोड़ देगा प्याज का। ये देखिए सारे लच्छे जो हैं इस तरह से खुल गए हैं। मैंने यहाँ पर लिया है, ये 1 कप है, लेकिन 1 कप पड़ेगा नहीं बेसन, इसमें जाएगा 1/2 कप के करीब। और फिर जैसे जैसे ज़रूरत महसूस होगी वो डाल लेंगे। ये 1/2 कप के करीब मैं इसमें बेसन शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून डाल देंगे हम चावल का आटा। चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो फिर इसमें कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून या अरारोट डाल दीजिएगा। और इसमें हम शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून गर्म ऑयल, और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून ये नमक। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा। 1 टेबल स्पून है ये लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून है ये हल्दी पाउडर, ये 1 टीस्पून है चाट मसाला, ये 1/4 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून अजवाइन। इसको थोड़ा हाथों से क्रश करके डालेंगे तो इसकी खुशबू जो है रिलीज़ हो जाएगी। और ये थोड़ा सा मैंने काट लिया हरा धनिया, ये इसी में हम शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्च ली है, जो बड़ी बड़ी काट ली है वो इसलिए कि अगर किसी को मिर्च नहीं पसंद तो वो मिर्च अपना निकाल ले खाने के वक्त। ये डाल दिया है मिर्च। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग लीजिएगा। और इधर हमने फ्लेम को ऑन कर दिया और कढ़ाई रख दी है। ये हम इसमें डाल देंगे ऑयल, और ये जब तक गर्म हो रहा है हम मिला लेंगे अपना पकौड़ों का मिक्सचर। अब हम पकौड़ों का मिक्सचर जो है इस तरह से हाथ से अपने मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले प्याज के लच्छों के साथ कंबाइंड हो जाएं। और आपको यहाँ पे ज़रूरत महसूस हो तो 1 से 2 टेबल स्पून पानी भी डाल सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आ रही है तो मैं नहीं डालूँगी। इसमें मैंने जो अजवाइन डाला है क्रश करके वो हाजिम के लिए बहुत अच्छा होता है। पकौड़े फ्राई करने के लिए हमारा ये मिक्सचर जो है रेडी हो गया है। मीडियम फ्लेम पे हम अपना तेल रखेंगे और हम इसमें पकौड़े डालेंगे। ये देखिए छोटे छोटे पोर्शन लेके पकौड़े के इस तरह से हम पकौड़े डालेंगे, और जब तक गोल्डन क्रिस्पी हो नहीं जाते तब तक हम इनको अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट के बाद इनको पलट के हमने फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर हमारे पकौड़ों में आ गया है। ये एब्जॉर्बिंग पेपर में हम पकौड़ों को इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं चटनी। तो जो हमें रेस्टोरेंट में चटनी मिलती है खाने के लिए लच्छेदार प्याज के पकौड़ों के साथ, तो ये चटनी हम बनाएंगे। यहाँ पे है हरा धनिया, पुदीना, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा है ज़ीरा, यह है काला नमक, यह नॉर्मल नमक जो हम खाते हैं, 1/2 डालेंगे नींबू, 2 से 3 हरी मिर्च, ये 1 इंच टुकड़ा अदरक का, और ये दही, जो थोड़ी सी चटनी लिक्विड साइड पे होती है, तो ये हम बनाएंगे। ये डाल देंगे हम जार में पुदीना, और ये 1 मुट्ठी है हरा धनिया, और यहाँ पे ये 2 से 3 हरी मिर्च, ये अदरक का टुकड़ा, और ये है काला नमक 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून है ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक जो हम लोग सादा नमक खाते हैं नॉर्मल, 2 टेबल स्पून है दही। दही खट्टा नहीं हो, रूम टेम्परेचर का हो, और ज़्यादा लिक्विडी ना हो, पतला ना हो। और यहाँ पे हम डाल देंगे ये 1/2 नींबू का रस,
और इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे चटनी बनके हमारी तैयार हो गई है। मैं निकाल के भी दिखाऊंगी ये लाइट कलर की चटनी। रेस्टोरेंट में हमें यही चटनी मिलती है खाने के लिए, सभी स्नैक के साथ हम खाते हैं यही चटनी। रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।